हेलो हाय नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बॉलीवॉल अपडेट्स पर। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं शुभांगी भट्ट फिर से हाजिर हूँ बॉलीवुड से जुड़ी कुछ मजेदार खबरों के साथ, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। कांस फिल्म फेस्टिवल 2022 का आगाज हो चुका है, जहां कई बॉलीवुड स्टार इस फिल्म फेस्टिवल का हिस्सा बनने के लिए पहुंच गए हैं। वहीं बॉलीवुड की दीवा ऐश्वर्या राय बच्चन ने कांस फिल्म फेस्टिवल के दूसरे दिन रेड कारपेट पे अपने हुस्न के जलवे बिखेरे। ब्लैक रफल फ्लोरल गाउन और न्यूड मेकअप में ऐश्वर्या हर तरफ बिजलियां गिरा रही थी। दरअसल ये साल कान फेस्टिवल में बॉलीवुड के लिए बहुत खास रहने वाला है। पूरी तैयारी से वहां पहुंची दीपिका पादुकोण, तमन्ना भाटिया जैसी हसीनाओं ने रेड कारपेट पर आग लगा दी है। तो इसी बीच अब ऐश्वर्या के दो लुक सामने आ चुके हैं। पहले लुक में ऐश्वर्या राय बच्चन ने पिंक सूट पहना था, जिसके साथ उन्होंने मैचिंग हील्स कैरी की थी। वहीं इस बार रेड कारपेट के लिए ऐश्वर्या राय बच्चन ने ब्लैक फ्लोरल गाउन सेलेक्ट किया, जिसके साथ न्यूड मेकअप रखा। ऐश्वर्या का ये गाउन कई मायने में खास था। इसके फ्रंट से गाउन पर प्लंज नेकलाइन नजर आई, राइट साइड पर ढेर सारे रंग बिरंगे फूल लगे थे, तो वहीं गाउन की लेफ्ट साइड में एक पूरी कली में फूल लगे दिखाई दिए। इस ब्लैक गाउन के साथ ऐश्वर्या ने अपना लुक सिंपल रखा था। उन्होंने मिनिमल मेकअप किया, जो लोगों को खूब पसंद आ रहा है। अब कांस फिल्म फेस्टिवल की बात हो ही रही है, तो बात कर लेते हैं दीपिका पादुकोण की, जिनके कांस फिल्म फेस्टिवल से कई लुक सामने आ चुके हैं, जिसमें वो काफी खूबसूरत लग रही हैं। इसी बीच अब दीपिका का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो तमन्ना भाटिया, पूजा हेगड़े और उर्वशी रौतेला के साथ डांस करती नजर आ रही है। दरअसल 75वें कांस फिल्म फेस्टिवल के उद्घाटन के दौरान राजस्थान के फोक सिंगर मामे खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गाना गाया, जिस पर वहां मौजूद दीपिका पादुकोण, तमन्ना भाटिया, उर्वशी रौतेला और पूजा हेगड़े ने घूमर किया। दीपिका का ये डांस वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। कंगना रनौत अपनी फिल्म धाकड़ के प्रमोशन में आजकल काफी बिजी चल रही हैं। इसी क्रम में वो शिव की नगरी वाराणसी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने पहुंची। यहां उनके साथ फिल्म के को स्टार अर्जुन रामपाल और दिव्या दत्ता भी मौजूद थी। आपको बता दें कि कंगना ने वाराणसी में काशी विश्वनाथ के दर्शन किए और घाट पर होने वाली गंगा आरती भी देखी। वहीं बॉलीवुड की क्वीन को अपने बीच देख स्थानीय लोग काफी एक्साइटेड नजर आए, और अब कंगना की तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हो रही हैं। इन तस्वीरों को शेयर करते हुए कंगना ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर लिखा, हर हर महादेव, धाकड़ की टीम के साथ काशी विश्वनाथ जी के दर्शन और गंगा आरती। 20 मई को रिलीज हो रही है। भारतीय सिनेमा के झकास एक्टर अनिल कपूर करियर के इस दौर में भी लगातार सक्रिय हैं और नए नए प्रोजेक्ट से हैरान कर रहे हैं। इसी बीच अब अनिल कपूर की एक फोटो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें वो एवेंजर्स एक्टर जेरेमी रेनर के साथ नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर को लेकर अभी ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है, मगर माना जा रहा है कि फोटो अनिल कपूर के डिज्नी वर्स में एंट्री का सबूत है, क्योंकि डिज्नी इंटरनेशनल ने अनिल कपूर को एक अपकमिंग रोमांचक सीरीज में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना है। इस तस्वीर में अनिल कपूर आसमानी नीले रंग का कुर्ता शर्ट और सफेद पैंट पहने हुए नजर आ रहे हैं। वहीं जेरेमी पिंक कलर की शर्ट और क्रीम कलर की पैंट पहने हैं। दोनों कलाकार किसी हिस्टोरिकल लोकेशन पर गहन चर्चा में मशगूल नजर आ रहे हैं। वहीं बच्चे भी दोनों कलाकारों को अपने बीच देखकर चेयर करते हुए दिख रहे हैं। देवों के देव महादेव में नजर आने वाली सुनारिका भदौरिया ने सगाई कर ली है। सिर्फ यही नहीं, उनके बॉयफ्रेंड विकास पराशर ने उन्हें बीच पर घुटने पर बैठकर प्रपोज भी किया है। जी हाँ, यह हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि सुनारिका भदौरिया ने इस बात की जानकारी खुद इंस्टाग्राम पर दी है। उन्होंने कई तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें दोनों को व्हाइट कलर का ड्रेस पहनकर समुद्र किनारे फोटोशूट कराते हुए देखा जा सकता है। उन्होंने बुधवार को सोशल मीडिया पर इस बात की जानकारी देने के साथ साथ ये भी बताया कि उनके बॉयफ्रेंड का जन्मदिन भी था। वहीं सुनारिका की इस पोस्ट पर अब फैंस के साथ साथ कई टीवी कलाकारों की प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे ऐसे ही बॉलीवुड से जुड़ी कुछ खबरों के साथ सिर्फ बॉलीवॉल अपडेट्स पर। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।